हेलो मॉमीज एंड डैडीज, मैं हूं डॉक्टर नितिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लैट हेड सिंड्रोम। मेडिकल टर्म्स में इसको प्लेजियोसेफैली भी कहते हैं। तो बेसिकली फ्लैट हेड सिंड्रोम होता क्या है? फ्लैट हेड सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें आप नोटिस करेंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके सर के पीछे की तरफ किसी एक स्पॉट पर थोड़ी सी फ्लैटनेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको फ्लैट हेड सिंड्रोम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। तो यूजुअली फ्लैट हेड जो है बेबीज में, वो उनके इनिशियल 3 to 4 मंथ्स के टाइम पर ज्यादा नोटिसेबल होता है, ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि बच्चे अपना ये वाला टाइम और जो इनिशियल फेज होता है उनका, फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम अपना लेटे हुए बिताते हैं, सोते हुए बिताते हैं। दिन में वो 24 घंटे में से कम 16 से 18 घंटे सिर्फ सोते हैं, तो जिसकी वजह से उनके स्कल पे कंटिन्यूअसली एक प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर वाली जगह पर एक फ्लैटनेस क्रिएट हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन रीजन है फ्लैट हेड होने का बच्चों में, कि वो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। सेकंड रीजन जो है फ्लैट हेड सिंड्रोम का, वो ये है कि अगर आप ट्विन्स कैरी कर रहे हैं या ट्रिपलेट्स कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में जब बेबीज वूम में होते हैं तो वहां पर थोड़ी स्पेस कॉन्स्ट्रेंट होती है, बेबीज को स्पेस नहीं मिलती है मूव होने के लिए, जिसकी वजह से बेबीज एक ही पोजीशन में वूम में रह जाते हैं और उनके एक पर्टिकुलर एरिया पे एक सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है और फ्लैटनेस क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका इम्नियोटिक फ्लूइड लेवल्स थोड़े से लो हैं, तो उस केस में भी कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बेबी में फ्लैट हेड डेवलप हो जाए, बिकॉज बेबीज यूजुअली वूम में जहां तक इम्नियोटिक फ्लूइड होता है वहीं पर रहते हैं। तो जहां भी अगर इम्नियोटिक फ्लूइड की थोड़ी सी कमी होगी तो उस जगह बेबी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और बेबी जो है अपना हेड ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा और एक ही जगह पर वो सॉफ्ट स्पॉट बन जाएगा। थर्ड रीजन जो फ्लैट हेड होने का हो सकता है, वो है प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर बेबीज यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं न्यूनेटल आईसीयूज में, नीकूज में, और बहुत ज्यादा देर तक लेटे रहते हैं। इसके साथ साथ वो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से फ्लैट हेड होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ रीजन हो सकता है आपकी डिलीवरी के दौरान कोई फोर्सेप्स या वैक्यूम का यूज करना। जब फोर्सेप्स या वैक्यूम यूज होते हैं डिलीवरी के दौरान, तो उससे स्कल पर बहुत प्रेशर लगाया जाता है बेबी के, जिसकी वजह से वहां पर एक सॉफ्ट स्पॉट या फ्लैट हेड क्रिएट हो सकता है। अगला रीजन जो है वो है मस्कुलर टॉर्टिकोलिस, यानी कि नेक की जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमें सर को साइडवेज मूव करने में मदद करती हैं, कभी कभी उनके अंदर थोड़ी सी टाइटनेस होती है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो अपनी नेक को दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में रहता है और उसी एरिया में वहां पर फ्लैट हेड स्पॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रीजंस जानने के बाद अब आइए चलते हैं कि फ्लैट हेड को प्रिवेंट कैसे किया जाए, और अगर फ्लैट हेड हो गया है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और डॉक्टर को कब विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है चेंजिंग बेबीज स्लीप पोजीशन फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो हमारा पहला रीजन था जिसकी वजह से फ्लैट हेड हो रहा है, यानी कि बेबी जो है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक एक ही पोजीशन में सो रहा है, हमें वो बचाना है। हमें बेबी की पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। अगर एक नैप के दौरान बेबी लेफ्ट साइड की तरफ सो रहा है, तो दूसरे नैप के दौरान यू हैव टू मेक श्योर कि वो राइट साइड की तरफ सोए। काफी बार पेरेंट्स वरी करते हैं कि अगर हम बेबी को सोते हुए छेड़ देंगे या उसकी पोजीशन को टच करेंगे तो बेबी अपनी स्लीप से उठ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेबीज बॉर्न स्लीपर्स होते हैं, दे कैन स्लीप अप टू 16 to 18 आवर्स इन अ डे इन द इनिशियल डेज। सो आप अगर उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो डोंट वरी, उसकी स्लीपिंग साइकिल या स्लीपिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा और आपका बेबी आराम से सोएगा। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि जो इन्फेंट कैरियर्स हैं उनका मिनिमम यूज करना। इन्फेंट कैरियर्स क्या होते हैं? बेसिकली कार सीट्स, क्रिब्स या फिर इन्फेंट रॉकर्स, जो हम इनिशियल डेज में बेबीज के लिए यूज करते हैं, उनको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर स्पेस जो है वो काफी लिमिटेड होता है और बेबीज ज्यादा अपने सर को इधर उधर मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में और एक ही पोजीशन में काफी देर तक लेटे रहते हैं और फ्लैट हेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो जो इन्फेंट कैरियर्स होते हैं, जैसे कि क्रिब्स या रॉकर्स, उनमें आप देखेंगे कि कुछ टॉयज आते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं,
तो यूजुअली वो एक ही डायरेक्शन में या एक ही पोजीशन में सस्पेंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से बेबीज अगर उनकी तरफ देखते हैं तो उनका सर एक ही पोजीशन में रहता है। तो ये भी फ्लैट हेड इंक्रीज कर सकता है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत देर तक यूज ना करें और चेंज करते रहें उनको, उनकी पोजीशन को। और अगर कोई टॉयज या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके बेबी को इंटरेस्ट करते हैं तो उनकी पोजीशन को भी चेंज करते रहिए। मतलब कभी अगर राइट साइड की तरफ लगाया है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको लेफ्ट साइड की तरफ लगाएं, ताकि बेबी उनसे अट्रैक्ट होकर अपने सर को साइडवेज घुमा पाए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि हम अपने बेबीज को अपराइट रख सकते हैं जब भी वो जगे हुए हैं। Whenever your baby is awake, please try to keep them upright as much as possible. ये इसलिए है क्योंकि usually बच्चे लेटे ही रहते हैं, और जब वो जगे हुए हैं उस मौके का फायदा उठाकर हम उनके सर को उस प्रेशर से रिलीव कर सकते हैं। जब बेबी जगा हुआ है तो आप उनको अपनी गोदी में ले सकते हैं ताकि उनके सर से जो प्रेशर है वो हट जाए। आप बेबी वेयरिंग कर सकते हैं जिससे आप भी फ्रीली मूव कर पाएंगे और आपके बेबी को भी थोड़ा सा प्रेशर से रिलीफ मिलेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप है स्विचिंग साइड्स वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप एक ही डायरेक्शन में और एक ही साइड पर बहुत देर तक ब्रेस्ट फीड ना करवाएं। एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू चेंज योर पोजिशन, यू हैव टू स्विच योर ब्रेस्ट एवरी 20 मिनट्स। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम फीड कराएं अपने बेबी को तो मेक श्योर कि 20 मिनट्स एक साइड से फीड कराने के बाद आप अपनी ब्रेस्ट स्विच कर लें। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप है अपने बेबीज को मैक्सिमम टमी टाइम देना। व्हेनेवर दे आर अवेक, मेक श्योर कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दें। टमी टाइम पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं बेनिफिट्स ऑफ टमी टाइम, अपने बेबी को टमी टाइम कैसे दें, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। टमी टाइम आप बहुत इफेक्टिवली न्यू बॉर्न स्टेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और ये टमी टाइम जो है आपके बेबी को हेल्प करेगा उसके सर से वो प्रेशर रिलीव करने के लिए और फ्लैट हेड थोड़ा सा कम करने के लिए। इन टिप्स के अलावा एक और एडवाइस है कि आपको फ्लैट हेड के लिए कोई भी पिलोज यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ पिलोज टू ट्रीट और प्रिवेंट फ्लैट हेड्स इन योर बेबी, बी इट मस्टर्ड सीड पिलोज, बी दोज यू शेप्ड और राउंड शेप्ड पिलोज। पीडियाट्रिशियंस ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं और इसका बहुत कोई फायदा भी नहीं होता है। आई हैव ट्राइड फॉर माई बेबी मस्टर्ड सीड पिलोज बट ट्रस्ट मी इट वॉज ऑफ नो यूज। सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर सच हॉक्स एडवाइसेस एंड डू नॉट वेस्ट योर मनी एंड प्लीज अपने बेबी को एक फ्लैट सर्फिस पे लिटा के रखें, उनकी जो पोजिशन है उनको चेंज करते रहें और जो टिप्स हमने डिस्कस की हैं उनको इम्प्लीमेंट करें एंड यू विल बी एबल टू प्रिवेंट और एटलीस्ट मिनिमाइज द फ्लैट हेड इन योर बेबी। नाउ लेट अस डिस्कस व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर फॉर द केस ऑफ फ्लैट हेड सिंड्रोम। अगर आपके बेबी में फ्लैट हेड है तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वेल मेनली फ्लैट हेड जो है वो बहुत ही कॉमन है और मोस्ट बेबीज में होता है। ये कॉमनली 6 मंथ्स तक रहता है एंड बियॉन्ड 6 मंथ्स टिल द एज ऑफ 1 ईयर ये धीरे धीरे अपने आप हट जाता है। एज योर बेबी ग्रोज उनके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं और जो लेटे हुए रहने की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो अपराइट पोजीशन में बिताते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्कल पर जो प्रेशर है वो रिलीव होता रहता है और फ्लैट हेड अपने आप करेक्ट हो जाता है। बट अगर आपको अपने बेबी के हेड पर या स्कल पर कुछ विजिबल साइंस मिले, जैसे कि एक विजिबल स्लैंट अगर आपको दिख रहा है अपने बेबी के हेड पर, या फिर कोई बॉल्ड पैच यानी कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जो बाल हैं वो ग्रो नहीं हुए हैं और एक बॉल्ड पैच वहां पे बन गया है, या फिर आप देख सकते हैं कोई ऐसे रिजेस या हार्ड लाइंस अपने बेबी के स्कल पर जो कि यूजुअली नहीं होती हैं, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो आप अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके बेबी के जो ईयर्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ मिस अलाइंड है, वो कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है आपके बेबी में टॉर्टिकोलिस होने का। यानी कि जो नेक की हमारी मसल्स होती हैं वो एक साइड की मसल्स या तो शॉर्ट होती हैं या फिर थोड़ी टाइटनेस होती है उनमें, जिसकी वजह से बेबी अपना नेक दोनों तरफ इक्वली नहीं घुमा पाता है और जिस साइड वो रहता है उसी साइड वो फ्लैट हेड बन जाता है। तो ये आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पेरेंट्स एज पॉसिबल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल फॉर मोर बेबी केयर टिप्स एज आई विल बी कमिंग सुपर सून। बाय बाय।